करनी सेना टीम द्वारा 8 जनवरी को भोपाल के जंबूर मैदान में महा आंदोलन करने की बड़ी तैयारी की जा रही है। उसी के चलते रविवार की देर शाम को करनी सेना टीम के जीवन सिंह शेरपुर महारैली के साथ चापड़ा पहुंचे, जहां पर बागली मार्ग पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए होने वाले महा आंदोलन के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। जीवन सिंह शेरपुर में कहा कि यह आंदोलन आम जनता के स्वाभिमान एवं किसानों के हक का आंदोलन है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए करनी सेना टीम के जीवन सिंह शेरपुर लगातार प्रदेश के कई जिलों में पहुंचकर आमंत्रण दे रहे हैं। उसी कड़ी में वह सोनकच्छ, हाटपिपलिया, बागली के चापड़ा पहुंचे। इस दौरान जीवन सिंह शेरपुर का पूरे क्षेत्र में जोर शोर से स्वागत किया गया। साथ ही प्रत्येक गाँव के मंच से भोपाल पहुँचने के लिए करनी सैनिकों और समाजजनों का आह्वान किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हम 3 घंटे लेट है, उसके बाद भी हमारे सब जो कार्यकर्ता भाई लोग हैं, सारे समाज के बंधु हैं, यहाँ विराजमान थे हमसे मिलने के लिए, उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए। समर्थन की कहीं कमी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से इस 8 जनवरी के जन आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और सारे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग वहाँ उपस्थित होंगे। पर ये जो लड़ाई है, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। जो सरकारें अभी तक हमें बेवकूफ़ बना रही थी, कोई जात के नाम पर लड़वा रहा था, कोई धर्म के नाम पर लड़वा रहा था, पर आज के युवा जाग चुके हैं। आज युवा लड़ेगा तो अपने हक अधिकारों के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अपनी अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए, इन चीज़ों के लिए हम आंदोलन करेंगे और इनके लिए लड़ेंगे। जात पात पर धर्म के नाम पे अब मध्य प्रदेश में युवा लड़ने वाला नहीं है। हमेशा कहने के मुद्दों को लेकर रही है चर्चा में, तो इस जो आपका अभियान चल रहा है, इसमें मेन मुद्दा क्या है? आर्थिक आधार पर आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के फसलों के भाव तय हों, बढ़ती हुई खाद बीजों के रेटों पर अंकुश लगाया जाए, खाद्य सामग्री और कृषि संसाधनों से GST मुक्त किया जाए, भारत की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूलों में जहाँ टीचर नहीं है वहाँ टीचर की व्यवस्था की जाए और उनकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाए, रोजगार सहायक हुए या चिकित्सा का जो सुविधा शिक्षक जो चिकित्सक है उनको स्थायी किया जाए, ताकि जो अपनी काबिलियत से लगे हैं वो लोग सेवाएं दे सके, अच्छे से काम कर सके। अभी सारे लोगों को अस्थायी और अनपरमानेंट रख रखा है, तो वो उनका ना तो काम में मन लगता है, ना ही उनकी सैलरी सही है। तो आज जो अच्छे युवा हैं जो नौकरियों पर हैं, कहीं ना कहीं भले वो रोजगार सहायक हो या अतिथि शिक्षक हो या जो सुविधा मतलब जो चिकित्सक है, इनके बारे में सरकार नहीं सोच रही है, तो सरकार के जो मौलिक कर्तव्य है उनको ध्यान दे, भारत की और प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो सुधरे और जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी सुधारे, क्योंकि सरकार के मौलिक कर्तव्य है कि उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देना पड़ेगा। सरकार अपने मौलिक कर्तव्य से दूर भाग रही है, अपने युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है। 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकली, सरकार ने कभी इस पर डिबेट नहीं की, कभी विपक्ष ने इस पर बात नहीं करी, ना जो सरकार अभी पक्ष में जो सरकार है ना वो बात करना चाहती है, ना जो विपक्ष में वो बात करना चाहती है कि 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकली तो क्या कारण रहा, क्यों लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, क्यों लोगों को अवर एज करके उनको उस जो रोजगार की जो प्रणाली थी, जो जितने भी वैकेंसियाँ थी उनको उम्र सीमा घटा के बाहर कर दिया गया। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो क्या रणनीति आगे चलती? सरकारें अभी तक हमारी 3 बातें मान चुकी है और यदि आगे बातें नहीं मानती है तो इस बार करनी सेना परिवार सर्व समाज को साथ में लेके चुनावी रण में उतरेगा और उनकी ईंट से ईंट बजा देगा, उन्हें बता देगा कि आज का युवा पूरी तरीके से सक्षम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।